Good morning, today is 2nd of October 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. पहले दोनों आर्टिकल्स हमारे देश की सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हैं. कंटेक्स्ट क्या है, मुंबई में एल्फिनस्टोन रेलवे स्टेशन पे एक बड़ा हादसा हुआ, 23 लोगों की जानें चली गईं. दोनों आर्टिकल्स कहते हैं कि आज हमारे देश में सिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है और जो भी प्रॉब्लम्स हैं सिटीज के बारे में जो डिस्कस की गई हैं उन पे हम चर्चा करेंगे. इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके डिस्कस करेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो आर्टिकल है ईवीएम से संबंधित है इसे भी हम डिस्कस करेंगे. ये जो आर्टिकल है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे. दूसरे पेज पे ये आर्टिकल महात्मा गांधी जी का जो कंसेप्ट है स्वराज का उसको लिंक किया गया है प्राइवेसी के साथ. तो देखो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर जो पॉइंट्स हैं वो प्राइवेसी के बारे में है. प्राइवेसी के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस आर्टिकल में से हम ड्रा करेंगे और उस डिस्कस करेंगे उसे भी. यहाँ पे जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हर मंडे को प्रकाशित होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है. ये आर्टिकल नॉलेज इकोनॉमी के बारे में है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे. शुरुआत करते हैं सबसे पहले सिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. जो दो आर्टिकल्स कंबाइन करके डिस्कस करने हैं उनसे हम स्टार्ट करते हैं. कंटेक्स्ट आपको पता है, मुंबई में एल्फिनस्टोन रेलवे स्टेशन पे जो हादसा हुआ था 23 लोगों की जानें चली गई. आर्टिकल कहता है गवर्नमेंट के द्वारा लगातार सिटीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे इग्नोर किया जा रहा था तो इसी नेग्लेक्ट का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा हुआ. अगर स्पेसिफिकली मुंबई की बात करें तो 300 किलोमीटर का सब अर्बन रेल नेटवर्क है जो कि लाइफलाइन है मुंबई की, लेकिन मुंबई की ज्योग्राफी इस प्रकार से है. देखो मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से बताता हूँ मुंबई की ज्योग्राफी कैसे है. मुंबई एक लाइन में है बेसिकली, यहाँ पे अगर जनता रहती है बहुत ज़्यादा तो सारे जो ऑफिसेज हैं वो इस साइड पे हैं. तो होता क्या है, सुबह सुबह यहाँ से लोग जाते हैं सिंगल लाइन में, एक ही रूट पे इतने सारे लोग जाते हैं क्योंकि सारे ऑफिस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं. सुबह सुबह 9 बजे यहाँ से भीड़ जाएगी सारी और शाम को भीड़ से आएगी यहाँ से. जबकि दिल्ली कैसे है, दिल्ली थोड़ा सर्कल में है, जैसे सेंट्रल सेक्रेटरिएट बीच में है तो ऐसे है. मुंबई जितनी भीड़ दिखती नहीं है दिल्ली में क्योंकि दिल्ली सर्कल के आकार में है जबकि मुंबई एक लाइन पे बसा हुआ है, सिंगल लाइन. सुबह लोग यहाँ जाते हैं और शाम को यहाँ से वापस आते हैं. सारे जो ऑफिसेज हैं बड़े बड़े वो यहाँ हैं और जनता यहाँ पे बहुत रहती है नवी मुंबई. तो इसलिए ज्योग्राफी इस प्रकार से है, पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. और ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसी पे भी फिक्स नहीं की गई है. इवन क्या हुआ, जब ये हादसा हो गया था तो ये देखा गया कि जो मुंबई पुलिस है और जीआरपी जनरल रेलवे पुलिस है आपस में आर्ग्यूमेंट कर रही है ज्यूरिडिक्शन को लेके. मुंबई पुलिस का कहना है चूंकि रेलवे पैसेंजर्स इस फुटओवर ब्रिज को यूज करते हैं इसलिए जीआरपी की ज्यूरिडिक्शन है, जबकि जीआरपी का कहना यह है ये फुटओवर ब्रिज जो है वो बीएमसी के लैंड पे है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लैंड पे है, इसलिए मुंबई पुलिस की ज्यूरिडिक्शन बनती है. ये सिर्फ बात इस इंसिडेंस की नहीं है, आप और भी देख लीजिए सिटीज में जो रोड बनाने का काम है. मुंबई का एग्जांपल आप ले सकते हैं, मुंबई में नया रोड बनाना हो या फिर मेंटेनेंस करना हो 5 एजेंसीज हैं अकेली मुंबई के अंदर, किसको आप अकाउंटेबल ठहराओगे. तो कहने का एसेंस ये है हमारे सिटीज में कोई एक एजेंसी नहीं है एक काम के लिए जिसको अकाउंटेबल ठहराया जा सके कि आपके यहां पर हादसा हुआ है आप जिम्मेदार हो. अकाउंटेबिलिटी डिफ्यूज है. अगर बहुत सारे लोगों के ऊपर अकाउंटेबिलिटी होगी तो इसका मतलब यह है अकाउंटेबिलिटी नहीं है. अकाउंटेबिलिटी का मतलब ही यह है कि आप एक पर्सन को जिम्मेदार ठहराओ कि आपकी वजह से यह हादसा हुआ है, तभी वो पर्सन आगे से ठीक से काम करेगा. अगर सब पे जिम्मेदारी लगाओगे तो सारे जिम्मेदारी से भागेंगे. उसके बाद आता है कि हमारे देश में पिछले 2 दशकों से 20 सालों में जो ज्यादा फोकस दिया गया है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स पे नहीं दिया गया, वो रोड नेटवर्क पे ज्यादा दिया गया है, जबकि बसेस या फिर रेलवे नेटवर्क पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं दिया गया. आगे प्रिवेंशन की बात आती है, मतलब कौन से मेजर्स उठाने चाहिए. आगे आर्टिकल कहता है कि ये बड़ा हादसा हुआ लेकिन इस हादसे से सीख लेने की आवश्यकता है. जो भी मास ट्रांसपोर्ट है हमारे सिटीज में हमारे शहरों में उसको स्ट्रेंथन किए जाने की आवश्यकता है, कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है. कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसके बाद, जैसे कि पैसेंजर्स के शील्ड के लिए कैनोपीज लगाई जाए. देखो अगर इस हादसे की हम बात करें तो एक बड़ा रीजन इस हादसे का होना यह भी था, बारिश आ रही थी बहुत तेज बाहर, तो ऑलरेडी जो पैसेंजर्स मौजूद थे इस फुटओवर ब्रिज पे वो नीचे नहीं उतरना चाहते थे बारिश में भीग जाने के डर से. और दूसरी तरफ से पैसेंजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी क्योंकि ट्रेन की आवाजाही तो हो रही थी, इसलिए भी ये बड़ा हादसा हुआ. इसलिए आर्टिकल के द्वारा कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बताई गई हैं जैसे ज्यादा से ज्यादा कैनोपीज लगाई जाएं पैसेंजर्स के शील्ड के लिए, और सिर्फ एक एंट्री या एग्जिट पॉइंट नहीं होना चाहिए,
किसी रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट्स होने चाहिए। और ये भी कहा गया है आर्टिकल में कि जिस प्रकार से दिल्ली में आपने देखा हो तो वो मेट्रो फीडर बस सर्विस, यानी जो बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन को कनेक्ट करती हुई कुछ फीडर सर्विस भी चलानी चाहिए प्रशासन को। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया है अगर बड़े स्तर पर देखें तो जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि रेल जो मुंबई का जो आर्किटेक्चर है वो इस प्रकार से है, एक लाइन पे है, तो प्रशासन ये देखे ना, कुछ प्लान बनाए कि सारे के सारे जो लोग आ रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ आ रहे हैं, यानी पीक आवर्स में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस साइड ना बनाए, आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस स्थान पे बनाए जहाँ पे भीड़ भाड़ कम है, थोड़ी प्लानिंग करें सिटीज़ की तरफ, किस प्रकार से सिटीज़ डेवलप हो रही हैं फ्यूचर में उसकी तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा, अदरवाइज इस तरह से जो भीड़ बढ़ रही है वो तो बढ़ती ही जाएगी। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, इनएक्सपेंसिव चीज़ें हैं, ये स्टेप्स उठाए जा सकते हैं। अभी जो रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई, पीयूष गोयल जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने चेयर किया उस मीटिंग को, इन्होंने कहा कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सेफ्टी के लिए उसे इंश्योर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन आपको पहले करना चाहिए था ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंश्योर पहले से ही करना चाहिए, इस हादसे का इंतजार नहीं करना चाहिए था, लेकिन अभी आपको क्या करना है, सिर्फ मुंबई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के बजाय आप देश में सभी सिटीज में जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है सभी सिटीज में आपको ये कदम उठाने होंगे। यहां से फिर दूसरा आर्टिकल स्टार्ट हो जाता है। इस आर्टिकल में कहा गया है कि आज मुंबई का जो इन्वायरमेंट है बिजनेस करने के लिए उपयुक्त नहीं है, सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी अगर किसी को कॉमर्शियल स्पेस लेना हो रेंट पे तो उसको लॉस एंजल्स से इन सब जो वर्ल्ड की बड़ी सिटीज हैं यहां से भी महंगा मिलेगा वो कॉमर्शियल स्पेस, इसलिए जो बिजनेसमैन है वो मुंबई में इन्वेस्ट ना करके दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। देखो बातें तो स्पेसिफिकली मुंबई के हिसाब से की गई हैं, लेकिन इन चीज़ों को, इन पॉइंट्स को हम जनरलाइज करके जो हमारे देश की सभी सिटीज़ हैं उनके कंटेक्स्ट में भी ये सब बातें कही जा सकती हैं, यानी दूसरी सिटीज़ में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है वो अच्छी है लेकिन वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं है, दूसरी सिटीज़ में भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, दूसरी सिटीज़ में भी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो ठीक से काम नहीं करती। अब मुंबई के संदर्भ में कहा गया है कि बीएमसी ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया हुआ है, लेकिन उनका आरोप है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक उनको अप्रूवल नहीं दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि पॉलिटिकल विल नहीं है काम करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए। सिटीज में देखिए आप, जो मेयर होता है वो सिर्फ एक फिगर हेड होता है, असल में जो पावर्स होती हैं वो तो म्यूनसिपल कमिश्नर के पास में होती हैं। वैसे तो कहने के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी भी होती है जो लास्ट फ्रेम कर सकती है या फिर पॉलिसीज बना सकती है, लेकिन असल में उसे इंप्लीमेंट कौन करता है, म्यूनसिपल कमिश्नर। उसे ओवरसी कौन करता है, म्यूनसिपल कमिश्नर। इसलिए मेयर को अगर पावर्स दी जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जनता उसे चुनती है तो इसे अकाउंटेबल भी ठहराया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है आज जनता ने इलेक्शंस में इंटरेस्ट लेना ही छोड़ दिया है। सिटीज में जब इलेक्शंस होता है आपने देखा होगा वोटिंग परसेंटेज कितना कम रहती है, मुंबई का एग्जांपल दिया गया है, 50% से भी कम वोटिंग परसेंटेज रहती है जब मुंबई में इलेक्शंस होता है, यानी इंटरेस्ट नहीं है अब जनता में कि पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराया जा सके, और ये इंटरेस्ट आना जरूरी है। जब तक गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स को प्रेशराइज नहीं किया जाएगा वो काम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे सिटीज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक नहीं किया जा सकता, बहुत सारी ऐसी एजेंसीज हैं, बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो आगे आए हैं प्लान लेके, अगर उन पर काम किया जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए तो एक ही चीज, क्या, पॉलिटिकल विल। पॉलिटिकल विल चाहिए और उसके बाद तो कुछ भी किया जा सकता है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे यूटिलिटी देख लीजिए, क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है। इट इज सेड दैट विद द ग्रोइंग अर्बनाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिटीज ऑफ इंडिया हैज रीच द सैचुरेशन पॉइंट, यानी आजकल हमारे सिटीज में, हमारे देश की सिटीज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है, इसलिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान की आवश्यकता है जिससे हमारी सिटीज को और ज्यादा रहने लायक बनाया जा सके। कमेंट करना है आपको इस स्टेटमेंट पे। कोट भी देख लेते हैं आज का जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, या फिर आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं पूरे देश को मजबूत होना होगा। दोनों कोर्ट्स का एसेंस सेम निकलता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कुछ लोग शिकायत बहुत करते हैं, हमारे समाज में ये कुरीतियां हैं, समाज में ये गलत हो रहा है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो वो कुछ नहीं करते। समाज हमसे ही बनता है, हम इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, हम भीड़ का हिस्सा हैं। अगर जो बदलाव आप समाज में लाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को बदलना होगा, बदलाव की शुरुआत आपसे ही होनी चाहिए। और इवन सभी लोगों से पूछो क्या आप देश से प्यार करते हैं, सभी लोग कहेंगे हाँ हम देश से प्यार करते हैं, लेकिन उसी देश में वो लोग कूड़ा फैलाते हैं।
आप सबकी बात नहीं हो रही है, ये बातें आपके लिए नहीं है, इतना तो मुझे विश्वास है। जो भी लोग यूपीएससी से किसी प्रकार से जुड़े हैं प्रिपरेशन से, उनके अंदर अच्छी वैल्यूज इनकल्केटेड हैं। आप तो उन लोगों में से हो जिनको समाज को आईना दिखाना है, समाज को कर्तव्य के पथ पर लेके जाना है, समाज में उजाला रहना है, और आई एम श्योर यू विल डू दिस। तो आपके लिए बातें नहीं है, लेकिन जनरल एसेंस है, आंसर्स में हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं, एथिक्स में यूज कर सकते हैं, ऐसे में, ऐसे भी आया था वैसे गांधी जी का जो टॉपिक है ये, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, इस चीज पे, इस कोट पे ऐसे आया था। तो अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से संबंधित है। ये एक मशीन होती है जिसे ईवीएम के साथ अटैच किया जाता है। जब आप अपना वोट प्रेस करते हो, किसी भी पार्टी को आपने वोट दिया, तो उस पार्टी का नाम और चुनाव सिंबल यहाँ पे शीशे में एक स्लिप जनरेट होती है, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है, दो फायदे होते हैं। एक तो वोटर जिसने अपना वोट दिया वो वेरीफाई कर सकता है कि मेरा वोट बिल्कुल सही जगह पे गया, और दूसरा फायदा ये होता है जितने वोट कास्ट होंगे उतने ही स्लिप्स जनरेट होंगी, लास्ट में जब काउंटिंग होगी तो उन स्लिप्स को गिना भी जा सकता है मैनुअली उन स्लिप्स को मैनुअली गिना जा सकता है, यानी वेरिफिकेशन की जा सकती है कि ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिकली रिजल्ट दिखाएगी स्लिप्स को काउंट करके उसे वेरिफिकेशन किया जा सकता है। तो अब देखो, हाल फिलहाल में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थे जिन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल सेफ गार्ड्स हैं, ईवीएम को टेम्पर करना आसान नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल्स की मैं आपको बात करूं बताऊं तो जैसे उन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो ईवीएम है वो स्टैंड अलोन डिवाइस है, कैलकुलेटर की तरह। ऐसा नहीं है कि ईवीएम को कनेक्ट किया जा सकता है इंटरनेट से कि कोई हैकिंग कर लेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टैंड अलोन डिवाइस है, कैलकुलेटर की तरह ईवीएम, कोई टेम्परिंग इससे नहीं कर सकता। और इसका जो प्रोग्रामिंग की गई होती है चिप के अंदर, वो वन टाइम प्रोग्रामिंग होती है। अगर कोई इसे टेम्पर करना स्टार्ट कर देगा तो वो बर्न हो जाएगी वो चिप। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव भी काफी सारे सेफगार्ड्स हैं, जैसे कि तीन लेवल पे प्रॉपर ढंग से चेकिंग होती है ईवीएम्स की। सबसे पहले अगर किसी स्टेट में इलेक्शंस हैं तो स्टेट के किसी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि आप आइए ईवीएम को चेक कीजिए। बाद में कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे, बूथ लेवल पे हर तरीके से दिखाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को। पूरी सिक्योरिटी होती है, स्टोर करके रखा जाता है, और सेंट्रल चुनाव चुनाव के दौरान में जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनकी देखरेख में ये सारी ईवीएम्स स्टोर होती हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हैं, ईवीएम को टेम्पर करना आसान नहीं है। लेकिन विश्वसनीयता पर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, इसलिए अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है गुजरात में इस साल के अंत में जो इलेक्शंस होंगे सभी जगह पे वीवीपैट मशीन्स को अटैच किया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का संदेह पॉलिटिकल पार्टीज को ना रहे। आर्टिकल में कहा गया है, वैसे तो इलेक्शन कमीशन को ये सब चीजें सिस्टमैटिक ढंग से इंप्लीमेंट करनी थी फेज वाइज मैनर में, लेकिन एकदम से अब इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि पूरे गुजरात में वीवीपैट मशीन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो इसी दृष्टिकोण से है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा काफी सारे आरोप लगाए गए थे। ये अच्छी चीज है, अगर देखो लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में आरोप नहीं लगते हैं, विश्वसनीयता काफी जरूरी है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि कॉस्ट यानी खर्चा काफी ज्यादा आएगा, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को ये अपनी विश्वसनीयता को दुरुस्त तो करना ही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप निराधार आरोप इलेक्शन कमीशन पे ना लगाइए। क्योंकि देखो, इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम पे जो भी संदेह थे उनको दूर करने के लिए एक हैकाथॉन भी ऑर्गेनाइज किया था, इनवाइट किया था डिफरेंट राजनीतिक पार्टियों को कि वो आप आइए और वहां पे देखिए, आप हमें बताइए किस प्रकार से आप ये आरोप जो लगा रहे हो कि ईवीएम को टेम्पर किया जा सकता है करके दिखाइए। लेकिन सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे आई, एक सीपीआई, एक एनसीपी। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कोई भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस हैकाथॉन जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आगे कहा जाता है वे फॉरवर्ड में कि ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब थर्ड जनरेशन टेम्पर प्रूफ मशीन्स का जो निर्माण चल रहा है उसमें भी तेजी लानी होगी। ये थर्ड जनरेशन ईवीएम क्या है, इसमें क्या होगा, देखो थर्ड जनरेशन ईवीएम में सेल्फ डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज होंगी। यानी काफी बार आपने देखा होगा जिस दिन इलेक्शंस होते हैं तो ईवीएम में काफी तरह की गड़बड़ी आ जाती है, तो ये जो मशीन्स होंगी थर्ड जनरेशन ईवीएम, इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी आ गई तो वो मशीन्स ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन होंगी, वो अपने हिसाब से उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकेंगी। इसके अलावा जो बैलेट है और जो ईवीएम है आपस में कनेक्ट होंगी, यानी ये देखो, ये तो है बैलेट मशीन, ये है ईवीएम, आपस में कनेक्ट होंगी, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगी। अगर कोई
बैलेट यूनिट को यानी ईवीएम को बैलेट यूनिट को चेंज करने की कोशिश करेगा तो कंट्रोल यूनिट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता लग जाएगा डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो अलग आएंगे और इसीलिए कंट्रोल यूनिट उस बैलेट यूनिट को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि जो मदरबोर्ड है चिप है उसको पूरी तरह से निकाल के बदला जा सकता है, तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कंट्रोल यूनिट उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिजिटल सिग्नेचर्स हैं वो अलग आएंगे। ये सब अब चेंजेस आने वाले हैं थर्ड जनरेशन ईवीएम में। फिर यही कहा जाता है कि आर्टिकल में कि और भी काफ़ी सारे आज जो गड़बड़ियां हैं वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में पाई जा रही हैं, जैसे रशिया में हैकिंग हुई या फिर जो वोटर डेटा है उसको मैनिपुलेट किया गया। वैसे इलेक्शन कमीशन ने 2015 में एक अच्छा कदम उठाया था, उस समय कहा गया था कि जो वोटर डेटा है उसको आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया था कि नहीं, वोटर डेटा को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा जाएगा। और वो बिल्कुल ठीक डिसीजन था। क्यों? क्योंकि देखो आज बहुत सारे आरोप लगते हैं कि आधार कार्ड का जो डेटा है वो हैक कर लिया गया है कई सारी एजेंसीज के द्वारा। एक स्टार्टअप पे आरोप लगा कि उनके पास में आधार कार्ड का डेटा है, तो आधार कार्ड का डेटा अगर वोटर डेटा से अटैच होता इसका मतलब वोटर डेटा है उसको भी मैनिपुलेट किया जा सकता था। तो ये इलेक्शन कमीशन का अच्छा डिसीजन था, 2015 में उन्होंने मना कर दिया था कि बिग डेटा है उसके बहुत सारे नुकसान है, इसलिए आधार कार्ड के डेटा को वोटर डेटा से कनेक्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट में यही बात बोली जाती है कि इलेक्शन कमीशन को इसी तरह चलना होगा और भी इस पूरी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज बनाना होगा और भी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी होगी। तो ये पूरा आर्टिकल था। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल लाल बहादुर शास्त्री के बारे में है। कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं इस आर्टिकल में जो हम आंसर्स में यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन आता है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। लाल बहादुर शास्त्री का कहना था कि अगर देश की इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, देश को डेवलप करना है, तो रूरल इकोनॉमी पे फोकस करना जरूरी है। जब तक जो गांव के जो युवा लोग हैं, जो यूथ हैं, वो शहरों की तरफ आएंगे रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तब तक देश की इकोनॉमी को आगे ले जाना मुश्किल है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया था ताकि गांव में ही युवाओं को रोजगार मिल सके। उन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, इन सभी रेवोल्यूशन को विजुलाइज किया था। इवन हरित क्रांति का जनक भी लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ज़्यादा फोकस किया एफिशिएंसी पे, इंटीग्रिटी पे। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आप जो पढ़ते हो, फर्स्ट एआरसी का गठन किया था लाल बहादुर शास्त्री ने। इनका कहना था कि अगर प्रशासन को ठीक से काम करवाना है तो ऑफिशियल्स के अंदर एफिशिएंसी और इंटीग्रिटी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक कोट है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हो, ओ नानक रिमेन ए स्मॉल वन एज स्मॉल एज ग्रास, अदर प्लांट्स विल विदर अवे बट द ग्रास विल रिमेन एवरग्रीन। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि फूलों को लोग तब तक अपने पास रखते हैं जब उन फूलों में से सुगंध आती है, लेकिन जैसे ही सुगंध आनी बंद हो जाती है या फिर फूल मुरझा जाते हैं तो लोग उन फूलों को फेंक देते हैं, जबकि घास हमेशा एवरग्रीन रहती है, सदाबहार रहती है, इसलिए घास की तरह बनना चाहिए, फूलों की तरह नहीं। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने यह भी कहा, युवा किसी भी देश की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होते हैं, की आर्किटेक्चर होते हैं, युवा नींव होते हैं किसी भी देश की, इसलिए युवाओं को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। और उनका लास्ट में सबसे फेमस स्लोगन जो उन्होंने दिया था, जय जवान जय किसान। किन परिस्थितियों में ये दिया गया था? 1965-66 की बात है जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, और उस समय फूड सफिशिएंसी यानी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की ये बात है, फूड सफिशिएंसी हमारे पास नहीं थी, अनाज को हम इम्पोर्ट कर रहे थे यूएस से, और जबकि यूएस बहुत ज़्यादा तरसा रहा था, एक एक करके शिप में अनाज भेज रहा था जानबूझ के। तो इन परिस्थितियों में ये नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आप क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है, इसी नारे पे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। राइट ए क्रिटिकल नोट ऑन द इवोल्यूशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोगन जय जवान जय किसान। बताइए आप किस प्रकार से ये इवोल्व हुआ, इवोल्यूशन में आप परिस्थितियों का जिक्र करोगे, किन सर्कमस्टांसिस में ये इवोल्व हुआ था, और बाद में ये सिग्निफिकेंस भी बताओगे आप, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी जय जवान जय किसान की। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्वराज को कनेक्ट किया गया है बेसिकली प्राइवेसी से। प्राइवेसी का मतलब होता है निजता और स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल, इसलिए दोनों में कनेक्शन है राइटर का कहना है। यानी कि राइट टू प्राइवेसी पहले से एक फंडामेंटल राइट था, यानी जो आज़ादी के लिए हमारे पॉलिटिकल लीडर्स संघर्ष कर रहे थे उनकी आइडियोलॉजी में प्राइवेसी का अधिकार था, निजता का अधिकार था। हालांकि अब बहुत सालों बाद, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये साफ हो चुका है। बाद में कुछ पॉलिटिकल पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि गांधी जी ने ये बात कही थी कि
अगर वैल्यूज नहीं आएंगी तो कुछ नहीं होगा देश में, सिर्फ जो अंग्रेज हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे, जो लेकिन अंग्रेजों द्वारा जो दमनकारी पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं वो आज़ादी के बाद में भी वो दमनकारी पॉलिसीज व्याप्त रहेंगी। तो राइटर के द्वारा कटाक्ष किया जा रहा है गवर्नमेंट पे कि वो पॉलिसीज आज भी मौजूद हैं हमारे देश में। तो बस एक डायमेंशन है कि प्राइवेसी को स्वराज यानी सेल्फ रूल सेल्फ डिटर्मिनेशन से किस प्रकार से कनेक्ट किया जा सकता है। किसी इंडिविजुअल का अधिकार है कि जो उसकी इंडिविजुअल जानकारी है इंफॉर्मेशन है वो किसे देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, ये फंडामेंटल राइट है और इसे जोड़ा जा सकता है स्वराज से। वो भी स्वराज भी फोकस करता है सेल्फ रूल पे, इंडिविजुअल पे फोकस करता है, सेल्फ डिटर्मिनेशन पे फोकस करता है। तो ये पूरा आर्टिकल है। अब लास्ट में जो नॉलेज इकोनॉमी है उसके भी दो तीन पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल में कहा जाता है अगर हमें हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, आगे लेके जाना है, तो हमें हमारे देश की इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी बनाना होगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, अमेरिका में जो इकोनॉमिस्ट थे उनको 1960 में समझ में आ गई थी एक बात कि कैपिटल लेबर इन सब चीजों को एक लेवल के बाद ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज है कोई लिमिट नहीं है, इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। इसलिए अमेरिका ने नॉलेज इकोसिस्टम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया और उसी का नतीजा है आज जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल, ये सारी बड़ी कंपनीज अमेरिका के अंदर हैं, क्योंकि उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया था, नॉलेज इकोसिस्टम मिल गया था। वही इकोसिस्टम आज हमें हमारे देश में डेवलप करना होगा। कौन तैयार करेगा ये नॉलेज इकोसिस्टम? बड़े हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तैयार करेंगे। उन हायर इंस्टीट्यूशंस में नॉलेज को तैयार किया जाएगा और बाद में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन की जाएगी सोसाइटी के लिए, ताकि सोसाइटीज उन हायर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो नॉलेज आइडियाज तैयार किए गए हैं उनको एप्लीकेशंस के रूप में इस्तेमाल किए जा सके। ये एक इकोसिस्टम तैयार करेगी ये पूरी की पूरी प्रोसेस, लेकिन इसके लिए सरकार को फंडिंग देनी होगी जो हायर एजुकेशन है उनको, क्योंकि देखो जो भी नॉलेज आइडियाज हैं उनको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना आसान नहीं है, सक्सेस रेशो काफी कम है, इसलिए रिसर्च पे पैसा लगाने की आवश्यकता है। सरकार को आगे आना होगा, बड़े हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाने होंगे, फंडिंग देनी होगी रिसर्च के लिए, ये सब चीजें सरकार को करनी होगी, तभी वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कुछ आइडियाज निकाल के सोसाइटी में लेके जाएंगे और जनता उस पर काम करेगी। जो स्टार्टअप्स हैं या फिर जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं उन आइडियाज पे काम करेंगे, उनको एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए सोसाइटी यानी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बीच में भी एक कोऑपरेशन होना चाहिए, सिंडिकेशन होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल था कि हमें हमारे देश की इकोनॉमी को नॉलेज इकोनॉमी बनाना आवश्यक है अगर आगे लेके जाना है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।